भारत कनाडा विवाद के बीच अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कहा कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है। हालांकि कनाडा ने भी संयुक्त राष्ट्र में जवाबी पलटवार में कहा कि विदेशी ताकतों के दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। आपको बता दें कि ट्रूडो के भारत पर आरोप के बाद से दोनों देशों के संबंध खराब होते जा रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनाडा का नाम लिए बगैर कहा कि अब वो दिन बीत चुके हैं जब कुछ देश एजेंडा सेट करते थे जबकि दूसरे देशों से उसी पर चलने की उम्मीद करते थे। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजेंडा सेट करते हैं लेकिन अब ये नहीं चल सकता। सियासी सहूलियत के लिए आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब वास्तविकता बयानबाजी से कोसों दूर हो जाती है तो हमारे भीतर इसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस होना चाहिए। भारत अलग अलग साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। अब हम गुट निरपेक्षता के युग से अब विश्व मित्र के रूप में विकसित हो गए हैं। ये विकास और ब्रिक्स समूह के विस्तार से झलकता है। हम परंपराओं और तकनीक दोनों को आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं। यही तालमेल आज भारत को परिभाषित करता है और यही भारत है। इसी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा से लेकर चीन और पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। हालांकि विदेश मंत्री के कमेंट के बाद संयुक्त राष्ट्र के कनाडा के राजदूत बॉब रे ने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए झुका नहीं जा सकता है। ऐसे समय में जब हम समानता के महत्व पर जोर देते हैं तो हमें निष्पक्ष और लोकतांत्रिक समाजों के मूल्य को बनाए रखना होगा। हम किसी के राजनीतिक फायदे के लिए झुक नहीं सकते क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विदेशी दखल की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। सच्चाई ये है कि अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिन पर हम सहमत हुए हैं तो हमारे समाज का ताना बाना टूटने लगेगा। आपको बता दें कि निजर की हत्या के बाद आरोप लगने के बाद से भारत के कनाडा को लेकर काफी सख्त रुख दिखाना शुरू कर दिया है। भारत की इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है। जहां पहले कनाडा में भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को खुली छूट मिलती थी, सैकड़ों लोग जुटते थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदलती दिख रही है। कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन फीका रहा। भारतीय कंसुलेट के बाहर इन प्रदर्शनों में मुट्ठी भर लोग ही जुट पाए। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और कनाडा के राजनयिकों ने निज्जर की हत्या से शुरू हुए विवाद को लेकर एक दूसरे को सीधा संबोधित नहीं किया लेकिन दोनों ने कुछ अहम बिंदुओं को छुआ है। हालांकि एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी ये कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन भी इस बात की पुष्टि करता है कि कूटनीतिक और संवाद ही एकमात्र प्रभावी समाधान है। नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन से जो कुछ हासिल हुआ उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनने को मिलेगी। हालांकि दोनों देशों के बीच हुई कमेंट वॉर पर डिफेंस फोरम इंडिया के संपादक यूसुफ उंझावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये सही मंच नहीं है। एक उभरते हुए देश होने के नाते बीते सालों में हम संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस्तेमाल वैश्विक मुद्दों को उठाने के लिए करते रहे हैं। इस मंच से हम पाकिस्तान पर बात नहीं करते हैं। ये काम एक जूनियर राजनयिक को दे दिया जाता है ताकि वो पाकिस्तान को जवाब दे। आतंकवाद को सुरक्षित पनाह मुहैया ना करवाना और आतंक पर बात करते हुए देश का उसका विरोध करने से ही बात बनेगी। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। निज्जर की हत्या के बाद बात इतनी आगे बढ़ी है कि ये शायद ही कनाडा के पीएम ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट देने से पहले सोचा होगा। हालांकि वो अपने बयान के सफाई भी दे चुके हैं लेकिन तनाव कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। खैर, दोनों देशों के बीच बढ़ रहे इस तनाव को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे न्यूज़बुक के साथ।